मेरी बेटी रोज निकलती थी वहाँ से, आना जाना था वो 9:30 बजे, रोज लड़की वहीं बैठ जाती थी और मेरी बेटी को फोन पे, दूसरी फोन पे किसी से बात करते करते दुनिया भर की गंदी गंदी गालियां देती थी। उनको ये था कि उनकी बेटी को, उनकी बेटी अपनी मम्मी पापा से लड़की हमारे घर आ गई थी, तो उन्होंने ये था कि मेरी बेटी को वो भेज नहीं रहे। तो हमने उसको समझाया भी था, बोला भी था, लेकिन उसके जो मम्मी पापा थे वो खुद ही इसको मतलब मारपीट वाला जो भी था टॉर्चर करे थे, वो इस रीजन से नहीं गई। उसके फादर को भड़काया गया हमारे खिलाफ, उसके फादर ने मुझे सरिया मारा है और मेरे हाथ में भी सरिया मारा है, जिसकी वजह से मेरे सिर में चोट लगी है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं इस वक्त झलको दिल्ली। हम मौजूद हैं उत्तम नगर की जैन कॉलोनी के पार्ट 3 में। यहां से एक ऐसा मामला इस वक्त सामने आ रहा है जो मामला आपको चौंका देने वाला है। जी हां, आपको बताएं कि 3 महीने पहले एक लव मैरिज होती है जिसको पुलिस द्वारा प्रशासन की निगरानी में किया जाता है, और उसके बाद जब वो लव मैरिज हो जाती है, वो लोग खुशी से साथ में दोनों कपल रहने लगते हैं, तो आपसी रंजिश के चलते जो उनकी वाइफ है, उनकी बड़ी बहन उन पर हमला करवाती है, साथ ही उनकी बहन को प्रताड़ित करती है, गाली गलौच लगातार होती है, और एक ऐसा मामला पूरा परिवार द्वारा बताया जा रहा है। हम परिवार वालों के साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और क्या कुछ पूरा मामला है वो जानने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले आपको दिखाते हैं ये वीडियो, जिस वीडियो के अंदर आपको दिखेगा किस तरीके से लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई में तमाम लोग आपस में ईंट पत्थर और किस तरीके से सरियों से लड़ रहे हैं। तो आपने देखा ये वीडियो, अब हम परिवार वालों से यहाँ पर ज्यादा बातचीत करते हैं और क्या कुछ पूरा मामला है। आपको चोटें भी आई हैं, क्या लगती हैं आप? मैं बेटे की ताई हूँ। ताई हैं। क्या कुछ पूरा मामला था, कल क्या हुआ था? कुछ पूरा मामला नहीं था सर, मेरी बेटी रोज निकलती थी वहाँ से, आना जाना था वो 9:30 बजे, रोज लड़की वहीं बैठ जाती थी और मेरी बेटी को फ़ोन पे, दूसरी फ़ोन पे किसी से बात करते करते दुनिया भर की गंदी गंदी गालियाँ देती थी। तो हमने उसको ये बोला कि तू जिससे तेरी बात हुई है, तू अपनी उस बहन से बात कर जिसकी वजह से तेरे को गुस्सा है या खुंदक है, मेरी बेटी को बोलने का तेरे को मतलब ही नहीं है। उनके आस पड़ोस वालों ने हमें समझा, उन जो कि भेजा, लेकिन उसके जो एक दो जने हैं आस पड़ोस के, उन लोगों ने ईंटें पत्थर और सरिया निकाल लिए हमें मारने के लिए। क्या कुछ वजह थी कि आपकी बेटी को परेशान किया जा रहा था? इसी वजह से मेरी बेटी को परेशान किया जा रहा था। बेटी खुद यहाँ आके जबरदस्ती आई है, खुद आके उसने रहा है, खुद उसने बोला है सबके सामने कि मुझे यहीं शादी करनी है, उसमें हमारा क्या मैटर बनता है? जब लड़की राजी है तो उसमें लड़की क्या करेगी? मतलब दोनों बालिक लोग हैं और दोनों शादी के लिए राजी थे, और उसके बाद पुलिस की निगरानी में शादी को किया गया, प्रशासन की निगरानी में, और उसके बाद जब शादी हो जाती है तब परिवार द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये है पूरा मामला। 3 महीने से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन कल उनकी बड़ी बेटी की वजह से ये लड़ाई झगड़ा हुआ है। बड़ी बेटी का क्या नाम है? हिमांशी। क्या वजह है कि वो आप लोगों से इतनी टूटी हुई है, आप लोगों से इतनी रूठी हुई है, या आप लोगों को इस तरीके से? वो कहती है कि उनकी जो मम्मी गई है वो हमारी वजह से गई है, हालांकि उसकी मम्मी तो बीमार पहले से ही चल रही थी, तो हमारी वजह से जिसका जो आना है वो तो बहाना है, लग गया बेटे के ऊपर इल्जाम की बेटी की वजह से गई है, लेकिन जिसने जैसे आना है उस वैसे उसने जाना भी है। कब उनकी मदर की डेथ हुई? उनकी शादी के 15-20 दिन बाद। ठीक है, देखिए शादी के 15-20 दिन के अंदर जो शादी करती हैं लड़की, उनकी मदर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद बड़ी बहन ये आरोप लगाती है कि छोटी बहन ने शादी लव मैरिज की है, जिसकी वजह से उनकी माता की मम्मी की डेथ हो जाती है, और उसके बाद जब ये आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है तब से वो इनसे रूठी हुई है, और इनके ऊपर लगातार कहें हमले कहें या फिर इन लोगों को प्रताड़ित करना कहें, ये लगातार यहाँ पर हो रहा है। आपको कुछ स्क्रीनशॉट हम इस वक्त दिखाते हैं, इन स्क्रीनशॉट्स में आपको दिखेगा कि चैटिंग पर फेक अकाउंट बना करके किस तरीके से, किस लैंग्वेज में उनसे बात की गई है, उस लैंग्वेज को हम बोल तो नहीं सकते हैं। तो गुंजन की ननद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मनीषा इनका नाम है, क्या कारण है, क्यों आपको प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है? बस इसलिए क्योंकि मैं इसकी बहन हूँ, ये मेरी भाभी है, उसका ये कहना है कि जब वो गुंजन यहाँ पे आई थी तो तुम लोगों ने उसको यहाँ से नहीं भगाया, बस वो आते जाते मुझे गंद बोलना, मुझे गालियाँ देना, अब्यूज यूज करना मैसेजेस में आते जाते भी। तो क्या कहना चाहेंगी उनको? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिसको जो बोलना है, जिसने करा उसको जाके बोल, मेरे को मैसेज करने का कोई मतलब नहीं बनता है, या तो अपनी बहन को मैसेज कर, उसकी लड़ाई और तेरी लड़ाई है ना, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो मेरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे से पूछ के यहाँ पे नहीं आई थी। तो सीधे हम गुंजन से इस वक्त बात कर लेते हैं। गुंजन, कितने सालों का आपका रिलेशन था? 9 साल का था रिलेशन हमारा।
उसका कैसे आप लोग मतलब कब से साथ थे, स्कूल के दौरान थे या कॉलेज के दौरान? या मैं स्कूल में थी तब से ही, मतलब फिफ्थ क्लास में थी मैं तब से। और अभी जब आपकी शादी हुई उस टाइम आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी? मैं मतलब 12th के मेरे फाइनल पेपर आने वाले थे, मतलब मैं 12th की स्टडी कर रही थी 12th क्लास। क्या उम्र है आपकी? मैं अभी 19 की कंप्लीट हुई हूँ फैब में। अभी जिस तरीके से परिवार वालों द्वारा जो किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ आइडिया ही नहीं है मुझे। मदर की डेथ जिस तरीके से हुई, क्या आप गई थी? नहीं, मैं जा ही नहीं पाई उनकी वजह से। उनकी तरफ से इतनी धमकी आ रही थी, जो मेरी बहन का BF था उसकी तरफ से, उसके दोस्तों की तरफ से इतनी धमकी आ रही थी। एंड टाइम पे जब मम्मी को मतलब ले जा रहे थे जलाने के लिए, तब भी मतलब मैं नहीं जा पाई। उन्होंने मतलब आप ही नहीं, आपकी बहन भी रिलेशन में है? हाँ जी। उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, केवल आप ही से ऑब्जेक्शन है? मुझसे यह, तभी मुझे आने नहीं दिया एंड टाइम पे। अब आप लव मैरिज से खुश हैं? हाँ जी, खुश हूँ मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि लव मैरिज के जिस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कहा जाता है कि 50% जो मामले होते हैं वो सक्सेस होते हैं और उसके अलावा काफ़ी सारे मामले फ्लॉप हो जाते हैं। आपके मामले में कैसा है कि आपको परिवार वालों की तरफ से या माइक, क्योंकि माइके का सपोर्ट तो उसके बाद बचता है नहीं, तो ससुराल वालों की तरफ से कैसा सपोर्ट? ससुराल वालों की सपोर्ट तो मतलब है, खुश हूँ, मतलब मुझे हर चीज़ से सपोर्ट करते हैं, मतलब ठीक है, सब अच्छा है इधर। जिस तरीके से ये हुआ आप लोगों के साथ, तो आप इनके पति हैं हम आपको बता दें, तो जिस तरीके से ये हुआ, तो क्या आपके ऊपर भी कोई हमला करने की कोशिश? रोकते हैं रस्ते में, जहाँ भी सूर्य नाम का लड़का है वो पकड़ता है, जो उसका भाई उनका बॉयफ्रेंड है, वो रोकता है कभी भी बाहर, ठीक है। और कभी धमकियाँ भी आता है, फ़ोन पे धमकियाँ भी देता है, किसी को फ़ोन से कर देगा, किसी को फ़ोन से कर देगा, और मेरा काम है तो इसी का, तो वो कहीं बुला लेता है रोक के फ़ोन के ऊपर, क्योंकि हमारा ऑनलाइन काम है। इसलिए कल भी थाने के अंदर भी ऐसे हो रहा था, वो घर तक आ गया था, सरियों से फंसा के थोड़ा गेट तोड़े, उसने बाइक ही तोड़ी, गली में देखो अभी देखो अंदर सब पड़े हुए अंदर। तो क्या लगता है ऐसे में कि परिवार वाले आपको खुशी से आपका जीवन व्यतीत करने देंगे? नहीं सर, और प्लस ऊपर से हमने प्रोटेक्शन मांगी थी बिना वो थाने में जाके, जब इनकी मम्मी लास्ट टाइम था जब, ठीक है, तो वहाँ गए थे, तो वहाँ से भी हमने इनको बोला था कि सर वो लास्ट टाइम उनको दिखा दो, क्योंकि वहाँ धमकियाँ आ रही थी, तो हमने बोला लास्ट टाइम दिखा दो इनको आप, तो पुलिस वाले ने कोई कुछ करा नहीं। कल जिस तरीके से लड़ाई हुई, हाँ जी, तो किसकी तरफ से पहले शुरुआत हुई थी? पहली शुरुआत उनकी ओर से हुई थी, एक्चुअली उन्होंने गाली गलौज छड़ की थी, क्योंकि वो मिताई की लड़की है, उनको जब भी उनके कोई मैटर नहीं बनता, मगर उनको गाली गलौज देती है, आते जब से मैसी में जो गाली दे रखी है उनको ही दे रखी है उल्टी सीधी फेक आईडियो पे, ठीक है। तो आप लोगों की ओर से भी मतलब मार खसाइट की गई कुछ, क्योंकि पुलिस ने आप लोगों को भी अरेस्ट किया, कुछ उन लोगों को भी किया, तो क्या कहेंगे सर? वो कम से कम 20-30 लड़के थे, ठीक है, हमारे घर से हमारे 3 तो लेडीज थी और मेरे पापा थे और मेरा भाई था, बस हम सब तो काम पे गए थे, हम शाम को आए थे, उससे हमारे आए के खड़े होते, लड़ाई चल रही थी। तो मेन जो है वो सूरज है, ठीक है, एक हिमांशु है, जो मेन दो मुद्दे है, और एक कहते हैं मुकेश है, जो बिल्कुल सामने रहता है उनके, जो उनका पड़ोसी है, वो उसी टाइम से पिन करता था उनको जब से शादी हुई है, वो उनको भड़काता था उनको कि ये ऐसे ऐसे जो भी है, तो उनकी वजह से हुआ सब हुआ है। तो दर्शकों, जिस तरीके से ये पूरा मामला इस वक्त यहाँ सामने आ रहा है, आपको बता दें कि जिस तरीके से रिलेशन में लोग होते हैं और उसके बाद जब शादी तक बात पहुँचती है और उसके बाद जब वो अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं, तो ये सलाह हम बीच में देना चाहेंगे कि परिवार वालों को उनकी उनके जो भी उनका फैसला होता है उसकी इज्जत करते हुए उन्हें अपनाना चाहिए, वरना उसके बाद एक इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है जो विवाद सालों तक थमने का नाम नहीं लेता है। पुलिस का कल कैसा रवैया रहा? उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, बस वो खाली बोलते रहे कि अभी MLC कराने भेजी थी, अभी तक MLC की रिपोर्ट नहीं आई हमारी, उनकी तरफ से MLC रिपोर्ट आ गई, ठीक है, और वो अभी भी MLC रिपोर्ट नहीं आई, अभी भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, अभी हम बड़े पापा को जमानत छुड़ा के लेके आए हैं अभी भी बेल के ऊपर, ठीक है। अंत में प्रशासन से क्या मांग करेंगी गुंजन? यही कि मतलब सब अच्छे सेटल वगैरह हो जाए और सब अच्छे से रहें अपने अपने घर, बस। तो देखिए, अंत में इनकी यही मांग है कि इनको खुश रहने दिया जाए और प्रशासन इन पर इस पर ध्यान रखे कि अगर ये लोग बालिग थे और जब इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, तो परिवार वालों का उस पर कोई भी इनके ऊपर दबाव ना हो, इन लोगों का ये कहना है। उसके अलावा हमने आपको दिखाया जिस तरीके से इस मामले को अंजाम दिया गया, ये अपने आप में पुलिस प्रशासन पर और जिस तरीके से ईंटें और पत्थर बरसाए गए, ये प्रशासन पर और यहाँ के अधिकारियों पर एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा कर देता है। इसी के साथ कैमरामैन सुमित के साथ मैं हिमांशु, झलको दिल्ली, उत्तम नगर।